हेलो फ्रेंड्स, फिन आइडियाज़ में आपका स्वागत है। 1 जून 2020 से जो ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर में नया मार्जिन सिस्टम आया है, जिसके कारण हम लिमिटेड रिस्क वाली स्ट्रेटेजीज में मार्जिन का बेनिफिट ले सकते हैं। आइए हम समझते हैं बुल स्प्रेड स्ट्रेटेजी में ये बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है। बुल स्प्रेड में एक कॉल खरीद के हम ऊपर की स्ट्राइक का एक कॉल बेचते हैं, या एक पुट खरीद के हम ऊपर की स्ट्राइक का एक पुट बेचते हैं। तो एक पुट खरीदना और एक पुट बेचना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने के कारण ये लिमिटेड रिस्क वाली स्ट्रेटेजी होती है। लिमिटेड रिस्क की स्ट्रेटेजी होने के कारण इसमें मार्जिन भी कम आता है। तो पहले हम समझते हैं क्विकली कि बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड में क्या डिफरेंस है। जब हम बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं तो ये डेबिट स्प्रेड बनता है। इसका मतलब यहाँ पर हमें जितना मैक्सिमम रिस्क होता है उतना प्रीमियम शुरुआत में चुका देना होता है। तो क्योंकि हमने मैक्स रिस्क का प्रीमियम शुरुआत में चुका दिया होता है, इसलिए हमें यहाँ पर कोई भी तरह का इनिशियल मार्जिन नहीं आता नए सिस्टम्स के हिसाब से, और केवल हमें एक्सपोजर मार्जिन ही पे करने को आता है। जबकि बुल पुट स्प्रेड के अंदर में हमें जितना मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है उतना प्रीमियम हम शुरुआत में रिसीव कर लेते हैं। तो शुरुआत में मैक्सिमम प्रॉफिट रिसीव करने के कारण अब हमें रिस्क की मनी भी वहाँ पर देनी होगी, इसलिए वहाँ पर हमें इनिशियल मार्जिन देने आता है और साथ में एक्सपोजर मार्जिन भी देने को आता है। तो अब आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस तरह से कौन सा स्प्रेड बनाने पे अब हमें कितना मार्जिन भरने को आएगा। फ्रेंड्स, अभी मान लीजिए लगभग 10,500 के आसपास में इंडेक्स चल रहा है। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। पहला, यदि हम इन द मनी बुल कॉल स्प्रेड बनाएं, मतलब 10,500 चल रहा है मार्केट और मैंने 9,500 का कॉल खरीद के 10,000 का कॉल बेचा, तो ये इन द मनी 500 पॉइंट का बुल कॉल स्प्रेड बना जुलाई मंथ का। तो इस समय पे मैक्सिमम प्रीमियम मैंने जो रिस्क है वो चुका दिया है, तो मेरा मार्जिन जीरो है। इनिशियल मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन लगभग 15,000 के आसपास आएगा और मुझे सामने से प्रीमियम जो मैंने चुकाने को आ रहा है वो 30,000 रुपया प्रीमियम चुकाने को आया। तो ओवरऑल मुझे 45,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है एक लॉट का बुल कॉल स्प्रेड बनाने के लिए अब, और वो भी इन द मनी। और यही चीज़ यदि मैं पुट में बनाऊं तो जब मैं ये पुट को यूज़ करूंगा तो वो आउट ऑफ द मनी पुट हो जाएंगे। तो आउट ऑफ द मनी पुट यदि मैं 9,500 का एक खरीद के 10,000 का बेचता हूं तो वो क्रेडिट स्प्रेड बनता है। क्रेडिट स्प्रेड बनने के कारण मुझे 7,500 रुपये क्रेडिट मिल गए, पर अब मुझे इनिशियल मार्जिन 33,000 और एक्सपोजर 15,000 देना पड़ेगा। तो लगभग 48,000 देना पड़ा, जिसमें से 8,000 मुझे क्रेडिट मिल गया, तो अराउंड 40,000 की रिक्वायरमेंट आई। तो यदि इसको हम ट्रेड में समझें तो यहाँ पर हमने बुल कॉल स्प्रेड का एक ट्रेड बनाया जिसमें 9,500 का कॉल हमने एक लॉट बाई किया, 10,000 का जुलाई का ही सेम मंथ का हमने एक कॉल बेचा, तो ओवरऑल हमें 15,000 रुपये का ही केवल एक्सपोजर मार्जिन की रिक्वायरमेंट आई, अदरवाइज हमें और कोई भी इनिशियल मार्जिन नहीं चुकाना है। लेकिन यही जो बुल स्प्रेड था इसी स्ट्राइक का ही, वो यदि पुट में करते तो पुट में अगर मैं करता हूं तो मुझे यहां पर 48,000 के मार्जिन की रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि ये क्रेडिट मुझे शुरुआत में जमा मिल जाता है। अब इसी को ही यदि मैं 500 पॉइंट का काम करना चाहता हूं लेकिन नीचे की स्ट्राइक में नहीं करके एट द मनी स्ट्राइक पे करूं, तो ये मार्जिन की रिक्वायरमेंट जो 40-45,000 थी वो लगभग 30,000 पे आ जाती है। और इसी को ही यदि मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन पे करूँ तो ये मार्जिन की रिक्वायरमेंट अभी भी लगभग 30,000 के आसपास में रहती है। कॉल से करता हूँ तो मेरे को इनिशियल मार्जिन देने को नहीं आता है, पर मुझे प्रीमियम चुकाने को आता है। और यदि मैं पुट से ये स्प्रेड बनाता हूँ तो इनिशियल मार्जिन चुकाने को आता है, पर प्रीमियम सामने मुझे क्रेडिट मिल जाता है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हमने ये 500 पॉइंट का बनाया तो लगभग 30-40-41,000 के आसपास में हमें मार्जिन आया। तो यही स्प्रेड को यदि हमने 100 पॉइंट का ही बनाया होता तो क्या होता? तो अब हमने एक नया स्प्रेड डाला, वही जुलाई मंथ 10,500 का कॉल खरीद के 10,600 का बेच दिया। जो पहले हमने 10,500 का खरीद के 11,000 बेचा था, 500 पॉइंट का स्प्रेड बनाया था, उसको अभी हमने 100 पॉइंट का स्प्रेड बनाया, तो हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 18-19,000 पे आ गई। इसका मीनिंग है कि यदि हम छोटी रेंज का स्प्रेड बनाएंगे तो हमारा मार्जिन कम आएगा, और हम जितनी रेंज को वाइड करेंगे हमारा मार्जिन भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता हुआ जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है कि हम अलग अलग मंथ की स्ट्राइक को चूज करें। फॉर एग्जांपल, जून के मंथ का ऑप्शन में खरीदूंगा 10,500 वाला और जुलाई मंथ का मैं 10,600 वाला बेचूं, ऐसा बुल स्प्रेड बनाऊं तो क्या होगा?
तो ऐसा बुल स्प्रेड बनाने पर अब आपको कॉल स्प्रेड बनाने पे भी इनिशियल मार्जिन आएगा, एक्सपोजर मार्जिन भी आएगा, पर सामने आपको क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि आपने जून का ऑप्शन खरीदा है और जुलाई का बेचा है, तो जुलाई में टाइम वैल्यू ज्यादा होने के कारण आपको नेट क्रेडिट मिला। तो नेट में जब इन सब का ओवरऑल टोटल निकालेंगे तो अराउंड 26,000 के आसपास मार्जिन आएगा। मतलब आपने सेम मंथ का 100 पॉइंट का स्प्रेड बनाया तो 18 to 19,000 का मार्जिन है, और अगर आप अलग अलग मंथ का कैलेंडर बुल कॉल स्प्रेड बनाते हो तो आपका ये मार्जिन 26,000 हो गया। और उसी तरह से कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं करंट मंथ वाला जो ऑप्शन है उसको बेचूंगा और नेक्स्ट मंथ वाले ऑप्शन को खरीदूंगा, मतलब एग्जैक्टली रिवर्स कि नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन खरीद के करंट वाला बेचूं तो क्या होगा, तो ये मार्जिन में क्योंकि आपने करंट वाला ऑप्शन बेचा है, वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बेचा है और नेक्स्ट मंथ का एट द मनी ऑप्शन खरीदा है, तो अब आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट स्लाइटली और ज़्यादा बढ़ जाएगी ओवरऑल तरीके से। तो हुआ ये कि यहाँ पर हमको जो नेट प्रीमियम है वो डेबिट ज़्यादा जोर बड़ा आएगा, ज़्यादा बड़ा आने के कारण हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट जो पहले 26,000 था वो 42,000 हो जाएगा। इसका मतलब यदि हम जून को खरीद करके जुलाई का ऑप्शन बेचते हो तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम है क्योंकि प्रीमियम क्रेडिट मिल जाता है ओवरऑल, लेकिन यदि हम जुलाई को खरीद के जून का बेचते हैं तो प्रीमियम डेबिट होता है, तो जितना डेबिट होता है उतना मार्जिन हमारा और लगभग बढ़ जाता है। तो इन्हीं ट्रेड्स को यदि हम लोग वॉल एस सॉफ्टवेयर पे देखें तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एट द मनी यदि मैं बुल कॉल स्प्रेड बनाता हूँ तो मेरे को जो मार्जिन जो इन द मनी में 48,000 था वही बुल कॉल स्प्रेड को एट द मनी पे करते ही अब मेरा मार्जिन लगभग 15,000 के ऊपर ही आ गया क्योंकि ओवरऑल क्रेडिट मुझे मिल चुका है। यही मैं आउट ऑफ द मनी पे भी कर रहा हूँ, बुल कॉल स्प्रेड मार्जिन लगभग वही है 22-23 हज़ार का, एक्सपोजर मार्जिन ही और इनिशियल जीरो। मतलब बुल कॉल स्प्रेड में तीनों जगह पर इनिशियल मार्जिन जीरो ही है, और जैसे ही मैंने ये बुल कॉल स्प्रेड को बुल पुट स्प्रेड में किया तो अब क्रेडिट स्प्रेड में आ गए, तो हर जगह पे इनिशियल मार्जिन साथ में आ गया और प्रीमियम का क्रेडिट मुझे मिलता जाएगा। तो यहाँ पे एट द मनी पे भी कर रहा हूँ, इन द मनी में भी और आउट ऑफ द मनी में, तीनों में ही मुझे इनिशियल मार्जिन भी आ रहा है और एक्सपोजर मार्जिन आ रहा है। तो ये दोनों मार्जिन आने के कारण ओवरऑल मेरा मार्जिन का रिक्वायरमेंट बढ़ा, पर सामने क्रेडिट मिल गया तो नेट पेमेंट मेरे अकाउंट से वापस उतना ही लिमिटेड हो गया। और यही जब अपन ने 100 पॉइंट का किया तो हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट बुल कॉल स्प्रेड में तो वही 15,000 एक्सपोजर मार्जिन की है, पर जो बुल पुट स्प्रेड में पहले ज़्यादा मार्जिन था उसकी जगह वो 22-23 हज़ार पे आ गया, जिसमें से 5,000 रुपये हमको क्रेडिट मिल रहा है, तो अराउंड 18,000 ही हमें इन्वेस्टमेंट करने को आ रहे हैं। उसके बाद में हमने देखा कि यदि हम यही काम को कैलेंडर स्प्रेड्स पे बनाते हैं, मतलब एक मंथ की मेच्योरिटी का खरीदते हैं और अलग मंथ पे करते हैं, तो हमें इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स मार्जिन की आती है। तो फ्रेंड्स ये पूरी की पूरी क्लैरिटी थी, यदि हम बुल स्प्रेड बनाते हो नए मार्जिन के थ्रू तो इंडेक्स के अंदर में यदि हम 100 से लेके 500 पॉइंट की रेंज बनाते हैं तो मार्जिन रिक्वायरमेंट लगभग 18-20 हज़ार से लेकर के 35-40 हज़ार रुपये तक पर लॉट आ रही है। अब इसके बारे में यदि आपको और कुछ भी ज़्यादा जानना हो तो कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस लिखें, हम आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स भेजेंगे। यदि आप चाहते हैं कि कोई जो अगला वीडियो है वो कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे बनना चाहिए तो काइंडली राइट डाउन दोज टॉपिक्स, वी विल श्योरली मेक दी वीडियो ऑन दोज टॉपिक्स। और यदि आपके कोई रिव्यूज़ हैं तो वो रिव्यूज़ भी कमेंट्स पे लिखिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड वंस अगेन थैंक यू फ्रॉम फिन आइडियाज़। थैंक यू।